एवरीवन, वेलकम बैक टू टेस्ट इंडिया। मैं हूं ईशा। तो फ्रेंड्स, ठंडियों का मौसम चल रहा है तो गाजर का हलवा खाना किसे पसंद नहीं होता। तो आज मैं हलवाई स्टाइल में गाजर का हलवा बनाई हूं, जिसमें मेहनत भी कम है और टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। गाजर का हलवा बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 किलो गाजर ले ली है और यहाँ पे हम लाल वाली गाजर का यूज़ करेंगे हलवा बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम इसके पीछे वाले पोर्शन को इस तरीके से कट कर लेंगे और आगे वाले को। उसके बाद हम इसे हल्का हल्का छील लेंगे। तो यह हमने सारी गाजर को छील लिया है, तो अब हम इसके छोटे छोटे पीस कर लेंगे। क्योंकि इसे हमें चॉपर में चॉप करना है, इसलिए हम इसके छोटे छोटे पीस कर रहे हैं। आप चाहें तो ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं या इसे मिक्सी के पॉट में डाल के इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं। जो आपको इजी लगे हलवा बनाने के लिए, आप वो उसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हमने गाजर को चॉपर में चॉप कर लिया है, तो अब हम हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं। हलवा बनाने के लिए हमने यहाँ पे गैस ऑन कर ली है। अब पैन में हम देसी घी ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून। इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है हमारे हलवे में। और घी को गर्म होने देंगे। घी हमारा गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें ड्राई फ्रूट को रोस्ट कर लेंगे। तो जो आपको पसंद हो ड्राई फ्रूट, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हम काजू बादाम को रोस्ट कर लेते हैं घी में, इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। तो गैस की फ्लेम मीडियम करके इसे हम 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। हल्के गोल्डन होने तक इसे हमें भूनना है। ये ड्राई फ्रूट भी हमारे अच्छे रोस्ट हो चुके हैं घी में, तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम इसमें किशमिश को भून लेते हैं। इसे हम बाद में ही भूनते हैं क्योंकि बहुत जल्दी रोस्ट हो जाती है और बहुत जल्दी फूल जाती है। ये किशमिश भी हमारी अच्छी फूल चुकी है, तो अब हम इसे भी बाहर प्लेट में निकाल लेते हैं। तो उसी पैन में अब हम गाजर ऐड कर लेते हैं, जिसे हमने चॉप किया था। तो यहाँ हमने सारी गाजर ऐड कर ली है। तो गैस की फ्लेम मीडियम करके इसे हम 5 से 6 मिनट तक घी में भून लेंगे। इसे हमें सॉफ्ट होने तक भून लेना है, तो अब हम इसे कवर कर देते हैं। 6 से 7 मिनट हो चुका है हमारी गाजर को पकते हुए। तो गाजर को हमने घी में अच्छे से भून लिया है और बीच बीच में इसे स्टर कर लिया है ताकि ये पैन में लगे नहीं। तो अब हम इसमें 1/2 लीटर दूध डालेंगे, जिसे हमने बॉइल कर लिया था। ये फुल फैट क्रीम वाला दूध है। वैसे भी मिक्स कर लेंगे गाजर में। और गैस की फ्लेम मीडियम कर लेंगे और दूध को भी गाजर के साथ हम पकने देंगे। ये गाजर भी हमारी दूध के साथ अच्छे से पक चुकी है, तो आप देख सकते हैं हमारा जो दूध है वो सारा सूख चुका है। तो अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो चीनी हम यहाँ पे 150 से 200 ग्राम ऐड करेंगे। आप चीनी जैसा कम ज़्यादा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से ऐड कर लें। और इसे भी हम इसमें पका लेंगे। तो गैस की फ्लेम मीडियम हाई करके इसमें हमने पका लेना है चीनी को भी। ये चीनी भी हमारी गाजर के साथ अच्छे से मिक्स हो चुकी है, तो आप देख सकते हैं कि चीनी ने पानी छोड़ दिया है। तो इस पानी को हमें सुखा लेना है। तो गैस की फ्लेम मीडियम हाई करके इसे हमें मिक्स कर लेना है। चीनी से बहुत बढ़िया कलर आएगा हमारे गाजर के हलवे में और बहुत ही टेस्टी भी बनेगा। तो चीनी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा खाना आप पसंद करते हो। तो ये हमारी चीनी भी गाजर के साथ अच्छे से मिक्स हो चुकी है, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स गाजर का कितना प्यारा कलर भी आ चुका है। तो लास्ट में अब इसका टेस्ट और दुगना करने के लिए अब हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे 5 टेबल स्पून। अगर आपके पास मिल्क पाउडर ना हो तो आप मावे का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कंडेंस मिल्क का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर वो भी आपके पास ना हो तो आप फ्रेश मलाई का यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। इससे गाजर के हलवे का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। तीन से चार मिनट हो चुका है, हमारे मिल्क पाउडर भी अच्छे से मिक्स हो चुका है गाजर के साथ में। तो लास्ट में अब हम इसमें घी ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा हमारे हलवे में। और इसे भी मिक्स कर लेंगे। ये घी भी हमारे हलवे में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, तो अब हम इसमें इलायची पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। और जो हमने ड्राई फ्रूट रोस्ट करके रखे हुए थे वो ऐड करेंगे।
और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। ये हमारे ड्राई फ्रूट भी हलवे में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और बहुत ही अच्छी सी इसमें से खुशबू भी आने लग गई है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे टेस्टी गाजर का हलवा बनके तैयार हो चुका है। तो बहुत ही बढ़िया बना है और बहुत ही डिलीशियस है ये। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ये हमारा हलवा। तो अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे गर्मा गर्म डिश आउट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे टेस्टी गाजर का हलवा बनके तैयार हो चुका है। तो इस ठंड के मौसम में आप भी इस तरीके से एक बार जरूर बना के ट्राई करें और हमें बताएं कि आपको ये टेस्टी सी स्वीट सी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।